जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल 7 Star 4G में। तो भाई देखो, SSGD का जो ज्वाइनिंग टाइम पे जो मेडिकल होता है उसका मैंने एक बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा अच्छे से आपको समझा के एक वीडियो बनाया था। फिर भी आप लोगों के बहुत से लोगों के है ना कुछ डाउट्स रह गए थे, वो मैं सभी ये क्लियर कर देता हूँ आपको। देखो, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किन किन पॉइंट में आपको बार किया जा सकता है, ऐसे ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिनको लेके आपको अच्छे से सचेत रह के वहाँ पे जाना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। देखो, उसी वीडियो के बारे में आज हम फिर से आप सभी से बात कर रहे हैं कि आप कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनको लेके आपको वहाँ पे बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर वो पॉइंट अगर आपके रहते हैं ना तो आपको वहाँ से वापस भेज दिया जा सकता है, और जा सकता नहीं भाई, कन्फर्म भेज दिया जाएगा अगर वो पॉइंट आपके रहते हैं तो। देखो, मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि भाई आपके जो एक तो सबसे बड़ा पॉइंट मैंने आपको बताया था कलर ब्लाइंड वाला, ठीक है, और एक बताया था मैंने आपको हाइट वाला, ठीक है, एक बताया था शायद मैंने आपको डोमिसाइल वाला, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत हो सकती है। तो देखो, आज डिटेल में बताता हूँ आपको। अब देखो, सबसे पहले आंखों से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। कुछ लोगों का मेरे पास कमेंट आया था, नहीं सबसे पहले मैं आपको फिजिकल की बताता हूँ कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि भाई अगर आपकी हाइट कम है तो आपको वापस भेज देंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपकी 170 मांगते हैं और आपकी 169 हाइट है तो आपको भेज देंगे। मैंने उस वीडियो में बताया था कि जैसे मान लो 170 मांगते हैं और आपकी हाइट जैसे मान लो 1.5 या 2 सेंटीमीटर कम है, तो पहली बात आपको भर्ती नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप कैसे भी करके भर्ती होते हो, अगर भाई आपकी 1.5 से 2 सेंटीमीटर हाइट कम है तो भाई कन्फर्म भेज देंगे। कई लोग आपको बोल रहे होंगे कि नहीं नहीं हाइट में किसी को कोई बार नहीं करता, हमारे टाइम पे किसी ने बार नहीं किया था। भाई हमारे टाइम पे भी किसी को बार नहीं किया था, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपकी हाइट ठीक है 170 मांगते हैं और साफ साफ दिख रही है कि आपकी हाइट 169 से भी कम है, तो भाई कन्फर्म आपको भेज देंगे। कोई नहीं रोकने वाला है भाई, आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा, चाहे आप कहीं भी जाओ कुछ भी करो कुछ भी नहीं होगा भाई, ठीक है। अगर 169 से भी कम अगर आपकी हाइट है तो कन्फर्म आपको वापस भेज देंगे, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। अगर 170 हाइट मांग रहे हैं यार, वहाँ पे अगर आपकी 169 से भी कम आती है तो फिर भाई भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, बात करता हूँ कि फिर मेडिकल में क्या क्या चेक होता है। देखो, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जो ट्रेनिंग टाइम पे जो मेडिकल होता है ना, वो आपका जैसे आप ट्रेनिंग सेंटर में घुसोगे उसी टाइम पे आपका मेडिकल नहीं होता है। जो 0 वीक आपका 7 दिन का जो 0 वीक रहता है उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसी में आपका मेडिकल चेकअप होता है। तो उस मेडिकल चेकअप में क्या होता है ना कि आपको मतलब ऐसे नहीं कि आपको जो जो मतलब पहले आपका जो मेडिकल मेडिकल हुआ था उस वैसा मेडिकल होता है, नॉर्मल मेडिकल होता है भाई उस टाइम पे ऐसा भी नहीं कि आपको पूरे कपड़े उतरवा के सब कुछ चेक करके आपका मेडिकल किया जाता है। उस मेडिकल में क्या होता है कि नॉर्मल सरसरी तौर पे आपको देखा जाता है। सबसे पहले मैंने बताया था कि भाई आपको बाइक से बच के रहना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट बाहर होते हैं ना, वो जो बाइक चला के कुछ ना कुछ एक्सीडेंट जिनका हो जाता है, सबसे ज़्यादा वही कैंडिडेट फेल होते हैं। अगर भाई ऐसी दिक्कत रहती है कुछ भी, अगर आपने ऑपरेशन ऑपरेशन भी करवाया है तो देखो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है ट्रेनिंग करने में। और ट्रेनिंग का भाई एक रूल होता है, अगर जैसे मान लो जितने दिन की आपकी ट्रेनिंग होती है उसकी अगर 10% डेज अगर आप ट्रेनिंग से आउट रहते हो, ट्रेनिंग से आउट रहने का मतलब आप रहोगे वहीं पे लेकिन अगर आप रेस्ट में रहते हो तो भाई आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है ट्रेनिंग से, ठीक है। उसके बाद आपको दोबारा एक मौका मिलता है वापस ट्रेनिंग करने का। तो वापस ट्रेनिंग करने में सिर्फ आपको ट्रेनिंग करने के 2 ही मौके मिलते हैं, दोनों पर अगर आप डिस्क्वालीफाई होते हो तो फिर भाई आपको बिना कुछ बताए सीधा घर भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग करने के आपको 2 ही मौके मिलते हैं टोटल। और आप ट्रेनिंग में डिस्क्वालीफाई कैसे हो गए, वो हो गए अगर जैसे मान लो 44 वीक की आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है, तो उसका 10% अगर जितने दिन की आपकी ट्रेनिंग होती है उसका 10% दिन अगर आप ट्रेनिंग से आउट रहते हो रेस्ट में रहते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई हो जाते हो ट्रेनिंग से। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जिनका मेजर ऑपरेशन जिनका होना था भैया, तो जल्दी ऑपरेशन करवा ले अपना, ऐसा ऑपरेशन करवाए कि बाद में आपको ट्रेनिंग में दिक्कत भी ना आए। अगर जिन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया या फिर जो ऑपरेशन करवा रहे हैं उनके सोच रहे हैं तो या फिर अभी मत करवाओ, 1-2 साल वेट कर ट्रेनिंग के बाद भी ऑपरेशन करवाना। क्योंकि देखो, अगर ट्रेनिंग में अगर आप ऑपरेशन करवाते हो ना और अगर आपको रेस्ट दे दिया डॉक्टर ने 1 महीने का, तो फिर भाई आप डिस्क्वालीफाई हो गए, कोई कोई वो बचाने वाला है ही नहीं, फिर आपको कोई नहीं बचाएगा भाई। इसलिए बोल रहा हूँ कि जो ऑपरेशन करवाने की सोच रहे हैं वो भी अपना जल्दी या तो करवा ले या फिर बाद में करवाने की सोचना, ठीक है। अब देखो, आपका दूसरा किस में आपको फेल कर सकते हैं, वहां पे मैंने बताया था आपको कि कलर ब्लाइंड भाई, ठीक है। कलर ब्लाइंड में भाई आपको सबसे बड़ी चीज कलर ब्लाइंड की होती है। अब जो कोई लोग बोलते हैं सर मेरी 6x9 थी, 6x12 थी, अगर आप मेडिकल में वहां पे पास हो तो भाई वहां पे जब ज्वाइनिंग करोगे ट्रेनिंग सेंटर में तो भाई आपको कोई बाहर नहीं निकलेगा, आई साइट में आई डिस्टेंस में आपको कोई भी बाहर नहीं करेगा।
क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको नॉर्मल वो पटाखे पहुँचते हैं। अगर उसमें आप जैसे मान लो आपको 6 या 7 बार पूछा, अगर 2-3 का भी आपने रिप्लाई कर दिया तो आपको वहाँ पे पास कर देता है, और पास करने का वहाँ पे फेल करने के उद्देश्य से कोई नहीं आता है, ठीक है। डॉक्टर नहीं सोचता कि मैं आपको फेल करूँ, वो तो बस सिर्फ आपको एक चेक करता है नॉर्मली तौर पर। सबसे मेन इंपॉर्टेंट देखता है कि आपका हाथ पैर ना टूटा हो, बस कहीं से आप शरीर से बिल्कुल सही हो, जैसे आपका मेडिकल किया गया था वैसे आप वहाँ पे होने चाहिए। अब देखो कलर ब्लाइंड में से क्या होता है कि आपको 10 से 12 वो पढ़ाता है। अब सपोज करो 15 किसी को पेज उसने पढ़वाए, 15 पेज में से आपने सपोज करो 2 या 3 का रिप्लाई दिया, 12-13 का रिप्लाई आपने नहीं दिया, तो भाई आपको कन्फर्म है भाई वो तो फेल करेगा ही। फिर तो भाई उस शक के दायरे में आओगे बिल्कुल, और आपको घर भेजा जा सकता है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस में आपको घर भेजा जाएगा, क्योंकि भाई फौज में सबसे ज़्यादा जरूरी कलर आंखें सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। आंखें और जो ट्रिगर वाली जो उंगली होती है ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, ये बिल्कुल आपकी सेफ रहनी चाहिए। अब सपोज करो आप कहीं भी मान लो निशाना साध रहे हो, अगर आपकी आंखें खराब है तो भाई फिर आपको भर्ती करके वो लोग क्या करेंगे, खुद सोच के देखो, ठीक है। तो भाई कलर ब्लाइंडनेस वाले समझ जाना थोड़े, कलर विजन आपके हैं या तो फिर आप प्रिपेयर करके जाओ अच्छे से, कोई जो भी आपकी बुक्स वुक्स हैं उनको रट के जाओ, आपको अगर लगता है कि रटने से हो जाता है तो रट वट के जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर ऐसा होता है तो। और जैसे मान लो आपको 15 अगर वो पढ़ाता है तो 15 में से आपने मान लो 8 से 10 का रिप्लाई कर दिया सही से, तो फिर आपको वो पास कर देता है, कोई समस्या नहीं आती है। हम देखो बात करता हूँ आगे कि कुछ लोग बोलते हैं कि सर कि कान वाल कान में भी फेल कर सकते हैं, कान में सर मेरे पर्दे में छेद है। भाई अगर आप फिजिक मेडिकल में वहाँ पे पास हो के आए हो तो चाहे फिर आपके कान में कुछ भी हो कुछ भी ना हो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको फेल करने वाला नहीं है। फिर कई लोगों का रिप्लाई आता है कि सर मेरे दांत में कैप लगी हुई है, दांत नहीं है या दांत टूटे हुए हैं। मैं आपको फिर से ये बोल रहा हूँ कि अगर वहाँ पे आपको फिर दांत में आपको कोई भी वार नहीं करेगा, दांत वात में किसी को वार नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमारे मतलब कईयों के कैरी एंगल में दिक्कत रहती है, तो भाई कैरी एंगल आपका जॉइनिंग टाइम पे कोई चेक नहीं करता है, कोई समस्या नहीं है कैरी एंगल वाले, बिल्कुल नो टेंशन रहो, ठीक है। उसकी बात करता हूँ कि सर कई बोलते हैं कि सर जब क्या प्राइवेट पार्ट्स भी चेक होते हैं, पाइल्स भी चेक होता है, भाई पाइल्स वाइल्स कोई चेक नहीं करता है, ना आपके कोई प्राइवेट पार्ट वहाँ पर चेक करता है, मेडिकल के टाइम सिर्फ ये चीज़ें चेक होती है, प्राइवेट पार्ट भी आपके कोई चेक नहीं करता है, ठीक है। उसकी बात करता हूँ सर नोकनी वाले कुछ लोग बोलते हैं भाई नोकनी भी आपको वहाँ पर चेक नहीं होता है, नॉर्मल तौर पर आपको खड़ा करके वहाँ देते हैं, हाइट चेस्ट वेट आपका नापते हैं वो, ठीक है। उसके बाद आपका थोड़ा बहुत ये ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट में भी किसी को मेजर प्रॉब्लम नहीं होती तो किसी को बाहर नहीं करते हैं। और उसके बाद जो कलर विजन वाला मैंने आपको बताया था, कलर विजन वाला होगा डोमिसाइल में अगर आपकी दिक्कत है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा डिस्क्वालीफाई इसी चीज़ में होते हैं, अगर आपका डोमिसाइल फर्जी है तो आप ज्वाइनिंग टाइम पर या तो बाहर कर देंगे आपको, ठीक है। उसके बाद भी डिपार्टमेंट जिस बटालियन में भाई आप जाते हो वो बटालियन भी आपके लगभग 1 से 2 बार आपका क्रॉस वेरीफाई करता है अगर आप शक के दायरे में आते हो। सबके दायरे में देखो कौन लोग आते हैं, सबके 2-3 बार चेक नहीं होता है। जैसे सपोज करो आप यूपी बिहार राजस्थान के हो और आपने बना लिया आसाम नागालैंड का डोमिसाइल, तो सबको दिख रहा है कि भाई आप मतलब अलग से दिखती है भाई आसाम नागालैंड वाले, तो आप तो वहाँ के दिखोगे नहीं, तो फिर भाई आपको वो लोग शक के दायरे में लेते हैं, आपका 3-4 बार वो क्रॉस वेरीफाई करते हैं, उन लोगों को दिक्कत होती है सिर्फ, ठीक है। वो ज्वाइनिंग टाइम पे भी उनको बाहर कर दे सकते हैं या फिर आपके जिस बटालियन में आप जाओगे वहाँ पे भी आपको दिक्कत हो सकती है इसी चीज़ में, ठीक है। मोटी मोटे तौर पे जो लोग बोल रहे थे सर मेरा फ्लैट फुट है, भाई फ्लैट फुट वालों को भी कोई समस्या नहीं होगी, टेंशन मत करो बिल्कुल भी। सबसे 3 ही चीज़ें हैं जिनमें आपको ज्वाइनिंग टाइम पे आपको बाहर कर सकते हैं। पहली चीज़ है अगर आपकी हाइट 1.5 से 2 सेंटीमीटर कम है, बल्कि ये तो ये केस मतलब रेयर केस होता है, बिल्कुल आपको मिलेगा ही नहीं, हज़ारों में से कोई एक आधा बंदा आपको मिलेगा। दूसरा होता है कलर विजन वाला, ये भाई आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है, हर ट्रेनिंग सेंटर में 1-2 बंदा आपको मिल जाएगा। तीसरा होता है डोमिसाइल वाला, डोमिसाइल आपको लगभग 100 में से 1-2 बंदा मिलेगा, 1000 में से 8-10 बंदे आपको मिल जाएंगे डोमिसाइल वाले। सबसे ज़्यादा इन्हीं 3 चीज़ों में आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, उसके अलावा आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, नॉर्मल आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में अब देखो आप लोग ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो लोग कमेंट मत करना जिनकी इन 3 चीज़ों के अलावा कोई प्रॉब्लम हो, जिनके फर्जी डोमिसाइल नहीं है, जिनके कलर विजन नहीं है और जिनके मतलब हाइट में दिक्कत नहीं है, वो उनके अलावा कोई भी आप कमेंट मत करना, क्योंकि वो सभी लोग पास हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देखो मैंने जो पिछला वीडियो बताया था उसमें मैंने आपको समझाया था अच्छे तरीके से, इस वीडियो में मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ कि भाई अगर ये 3 प्रॉब्लम आपके हैं तो ये आपको बाहर कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी आपको बाहर नहीं करेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और फिजिकल जो होता है सर, फिजिकल में बड़ा क्या चेक करते हैं, फिजिकल में कुछ चेक नहीं करते भाई, आप जैसे जाओ वैसे जाओ, वो सब आपका फिजिकल तैयार करवा देंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको ये थोड़ा प्रिफेयर करूँगा कि आप थोड़ी बहुत रनिंग अच्छे से अपनी तैयारी जो कर रहे थे पहले, मतलब आपको ध्यान लगा के नहीं लेकिन नॉर्मल आपको रनिंग करते रहना है, ताकि वहाँ पर जाओ तो एकदम से आपके ऊपर लोड ना पड़े, ठीक है। बीम थोड़ी बहुत लगाना, बीम की प्रैक्टिस आप थोड़ी बहुत कर लेना वहाँ
यहीं पे घर पे, या अगर जिनका जिम का शौक है तो वो भाई जिम विम भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिम से भी अगर आप रहते हो तो वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट मिलता है इस सब चीज़ों का, ठीक है। क्योंकि पुशअप लगाने अगर देखो आप ट्रेनिंग में, अगर दो तीन चीज़ें अगर आपकी अच्छी है, रनिंग आपकी अच्छी है, बीम अच्छी है, पुशअप अगर आप अच्छे से लगा लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। रस्सा वस्सा सब आप आराम से चढ़ जाओगे, रस्से वस्से में कोई समस्या नहीं आती है, ठीक है। तो फिजिकल थोड़ा अपना अच्छे से रखना, ऐसे नहीं कि जो आपका सिलेक्शन हो गया तो अच्छे से खा पी के जाओ। क्योंकि मैंने भाई यही गलती की थी, मैं भी मतलब सिलेक्शन होने के बाद ऐसे नॉर्मल आराम से रह गया था और बहुत ज़्यादा मतलब मोटा हो गया था, तो थोड़ी ट्रेनिंग में दिक्कत आती है फिर, लेकिन फिर भी कोई नहीं, हो जाता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों।